और अब एक और दुश्मन की कहानी बताते हैं आपको। कौन है वो दुश्मन? बर्फीला मौसम, जिसने देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर कहर बरपा दिया है। आज घाटी से खबर ये आई कि देश की सुरक्षा में लगे 5 जवान बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हो गए। पिछले 48 घंटे से जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी घाटी में लोगों पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट रही है। बर्फ से ढकी पूरी घाटी सफेद दिख रही है, लेकिन इन्हीं बर्फ के चट्टानों के टूटकर गिरने से कई जगह मौत का मातम पसर गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांधरबल की हैं। बर्फबारी के बीच लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। गांधरबल में 2 जगहों पर चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब पिछले 48 घंटे में एवलांच की 32 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बर्फ के चट्टान की चपेट में आकर माछिल सेक्टर में 1 जवान शहीद हो गया और 3 की हालत गंभीर है और 1 अब भी लापता है। वहीं नौगाम सेक्टर में भी बीएसएफ का 1 जवान शहीद हो गया। तस्वीरों में नजर आ रहे ट्रक को देखिए, आधा से ज्यादा पहिया बर्फ के दलदल में फंसा हुआ है और ऊपर से लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके को बर्फ ने कई फीट मोटे जाल में जकड़ कर रखा है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम तो हो रहा है, लेकिन असर दिख नहीं रहा। बर्फिस्तान बना ये जम्मू कश्मीर का बारामूला है। बारामूला में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि रास्ते तक बंद हो गए हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे है, बर्फ बहुत पड़ गई है। सरकार हमेशा दावा करती है कि हम तैयार हैं, हमें मशीनें तैयार कर रखी हैं। अभी तक देखिए कोई मशीनें नहीं यहाँ पर आई है नेशनल हाईवे पे। अगर कोई पेशेंट बीमार भी होगा, एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी सर? इतना बर्फ पड़ रहा है कि रोड पे पैदल चलना मुश्किल हो रहा है सर। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ पा रही है, ना कोई गाड़ी आएगी मेरे ख्याल से दिन भर, क्योंकि मशीन वाले ने ठीक से सफाई नहीं की। बारामूला से आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। बर्फबारी ने श्रीनगर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। डल झील जम गई है। सड़क से लेकर पार्क तक सब बर्फ की गिरफ्त में है। श्रीनगर में कई जगहों पर सड़कों की हालत ये है कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर निगम कर्मचारी सड़कों से बर्फ साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। जम्मू से कश्मीर घाटी जाने के लिए इसी जवाहर टनल को पार करना पड़ता है, जहां की हालत आप देख सकते हैं। मशीन से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। स्थिति ऐसी नहीं है कि गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर पहुंच सके। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे 2 दिनों से बंद है और रास्ते पर ऐसे ही 3,000 से ज्यादा गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं। जम्मू का कुछ इलाका भी बर्फबारी से अछूता नहीं है। ये तस्वीरें जम्मू के राजौरी जिले की हैं, जहां ऊपरी हिस्से में जोरदार बर्फबारी हो रही है। पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी है। लोग छत पर जमी बर्फ को हटाने में जुटे हैं। लद्दाख में बर्फबारी की घटना सामने आई है। सेना ने लद्दाख के मशहूर चादर ट्रैक पर फंसे कई सैलानियों का रेस्क्यू किया है। ज्यादा ऊंचाई और ठंड की वजह से बीमार पड़े 6 सैलानियों का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। भारी बर्फबारी और उसके बाद बढ़ी हुई एवलांच की घटनाओं को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। पिछले 48 घंटे में हुई भारी बर्फबारी के बाद जैसे ही आसमान खुला है, उसके साथ ही एवलांच का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए मेट ऑफिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पूरे पहाड़ी इलाकों में एवलांच का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और खासतौर पर सीमा से सटे हुए इलाकों में सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।